क्वेश्चन 12 टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म दो एपी है देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं एक एपी है वो मान लीजिए ए है उसको नाम देते हैं हम ए से शुरू होती है हो। ठीक है जिसके इस पहली एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए वन है और दूसरी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो मान लीजिए कि बी वन है ये दो एपी होगी अब ये कहते हैं कि दोनों का डिफरेंस है इन दोनों का डिफरेंस है टू एपी जो सेम कॉमन डिफरेंस इसका डिफरेंस जो है ना कॉमन है डी जो है इसका ठीक है वो कॉमन है डी जो है इसमें भी 100 है इसमें भी जो डी है जितना डी है उतना ही डी इसके अंदर है दोनों के डी जो है इक्वल है इसलिए डी को तो छोड़ दीजिए आप डी से तो कोई लेना देना नहीं क्योंकि इक्वल है अब आप दोनों डिफरेंस जो है इसका टर्म 100 टर्म यानी ए 100 100 टर्म यानी पहली एपी का जो 100वां टर्म है और बी 100 यानी दूसरी एपी का जो 100वां टर्म है वो कितना है 100 द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 यानी ए 100 की जो टर्म है और बी 100 के टर्म है उसका डिफरेंस क्या है 100 या हम इसको कैसे लिखेंगे टर्म को ए 100 टर्म कैसे आएगी ए 100 टर्म जो को निकालने के लिए 3 ए आएगा आपका ए प्लस ए एन माइनस 1 तो यहां मान लीजिए एन जो है 100 है ठीक है ए 100 यानी एन यहां 100 है तो एन माइनस 1 का मतलब है कि ए प्लस एन माइनस 1 होगा ना और इंटू डी होगा तो डी तो कॉमन है दोनों के अंदर इसलिए डी को तो आप रखिए मतलब ए प्लस एन माइनस 1 कर दीजिए तो ए प्लस इसको हम करेंगे कि ए प्लस एन माइनस 1 एन कितना 100 100 माइनस 1 यानी 99 इसी तरह से इधर भी जो है बी 100 का क्या होगा बी 100 की जो पहली जो टर्म होगी ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन डी अब डी तो क्योंकि कॉमन है इसलिए हम जो है यहां पर एन कितना होगा 100 ही होगा यहां भी एन 100 ही होगा तो यहां एन बराबर 100 है तो यहां क्या आएगा ये ए की जगह आप बी लिख दीजिए ठीक है तो बी प्लस एन माइनस 1 एन 100 है माइनस 1 99 ए ये डी तो कॉमन है इसलिए इसको डी से डी को कुछ मान लीजिए आप गुणा डी डी से डी कट जाएगा तो ये हो गया आपका फॉर्मूला यहां पर क्या आया क्या ए प्लस 99 इसमें से घटाओगे आप बी प्लस 99 तो क्या आएगा 100 ये दिया है दोनों का अंतर जो है वो 100 है इसमें से इसको घटा दोगे तो 100 है अब ये कहते हैं कि अगर आप जो है पदों की संख्या 1000 हो दोनों में यानी ये जो n है यहां पर भी n बराबर 1000 हो जाए और यहां पर भी जो n है वो 1000 हो जाए तो क्या हो जाएगा ये डिफरेंस तो फॉर्मूला वही है a प्लस 99 था यहां पर क्या हो जाएगा a प्लस n n कितना हो गया 1000 माइनस 1 यानी 999 ओके ये जो है इसकी जगह ये हो जाएगा तो यहां क्या आएगा b प्लस n मतलब 1000 माइनस 1 यानी 999 आप इसको साथ में d भी कर सकते हो चाहो तो क्योंकि d कॉमन है दोनों में इसमें भी d लगा सकते हो तो a प्लस 99 d माइनस b प्लस 99 d कितना होगा ओके अब देखिए यहां पर a माइनस b कितना है a माइनस b कितना है 100 है डिफरेंस ठीक है यहां पर जो दिया हुआ है कि दोनों की टर्म है पहला जो है ना टर्म्स जो है टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 तो ए जो अपने माना था 100 वाली टर्म माना था और इसकी जो 100 वाली टर्म मानी थी वो 1000 थी तो 1000 वाली भी ये इक्वल है जितना ये है इतना ये यानी a प्लस 99 में से b प्लस 99 निकालेंगे तो 100 बचाएंगे तो a प्लस 99 में से b प्लस 99 d निकालेंगे तो भी 100 ही बचेंगे तो हम कहेंगे a 1000 माइनस b 1000 इज 100 सेम रहेगा क्योंकि d सेम है इसीलिए
ये डिफरेंस भी सेम ही रहेगा, चाहे कोई भी टर्म आ जाए, वो 1000 आ जाए या 500 आ जाए या 10,000 आ जाए आपका, क्योंकि डी डिफरेंस डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस बराबर ही है दोनों टर्म्स के अंदर, और ए के बराबर भी उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 100 है टर्म्स के अंदर, तो ये हमेशा 100 ही रहेगा, क्योंकि डिफरेंस जो है वो जितना डिफरेंस उसमें जुड़ता जाएगा तो वो डिफरेंस 100 ही रहेगा। क्लियर? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।